राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में छोटा सा भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए। दरअसल राज्यसभा के 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसके लिए आयोजित विदाई समारोह के दौरान विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद से जुड़ा एक पुराना वाक्य याद कर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलाम नबी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री ही था, हमारी बहुत गहरी निटकती रही। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, 8 लोग मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि अगर मृतक शरीरों को लाने के लिए सेना का हवाई जहाज मिल जाए, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करता हूँ। नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।